नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल हिंसा के खिलाफ आंदोलन, नहीं हो पाया सड़क निर्माण कार्य पूरा, शिविर में 25 युवाओं ने किया रक्तदान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। बंगाल हिंसा के खिलाफ आंदोलन। विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा के विरोध में बुधवार को भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने शहर के 300 स्थानों पर छोटे छोटे समूह में धरना दिया। इस दौरान आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। भाजपा के तिलक पुतला स्थित कार्यालय के पास आज सुबह विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में सांकेतिक आंदोलन किया गया। पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुड़े, शहराध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, प्रदेश सचिव अर्चना डेहनकर मौजूद थे। फडणवीस ने कहा कि बंगाल हिंसा को लेकर प्रगतिशील लोगों ने मौन साध रखा है, इससे लोकतंत्र के समक्ष बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस हिंसा को लेकर न्यायालय जरूर हस्तक्षेप करेगा। कोविड को देखते हुए भाजपा ने बड़ा आंदोलन टाला है। जिन भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं, उनके परिजनों की आर्थिक मदद देश भर के भाजपा कार्यकर्ता करेंगे। शहीद चौक में विधायक गिरीश व्यास, अशोक पलांदुरकर की मौजूदगी में आंदोलन हुआ। पूर्व नागपुर में विधायक कृष्णा खोपड़े, मंडल अध्यक्ष संजय अवचट की अगुवाई में वैष्णो देवी चौक, छापरू नगर, सतरंजीपुरा में आंदोलन हुआ। घर जाण्यात आले, महिलांवर अत्याचार झाले, म्हणजे अशी परिस्थिती मुघलांच्या राज्यात पाहायला मिळायची, तीच परिस्थिती स्वतंत्र भारतामध्ये भारताचं घटक राज्य असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली। भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते ज्या प्रकारे त्या ठिकाणी मारले जात आहेत, त्यांच्या पाठीशी उभा भारत उभा आहे हे सांगण्याकरता आज आमचं आंदोलन या ठिकाणी आहे। केवळ नेते नाही तर स्वतःला पत्रकार म्हणणारे पुरोगामी हे सगळे चूप काय? मी सगळ्या पत्रकारांबद्दल बोलणार नाही, अनेकांनी याला वाचा फोडली आहे, पण अनेक आपल्याला पुरोगामी म्हणणारे आज मात्र चूप बसलेले आहेत। भारतीय जनता पक्षाच्या एकेका कार्यकर्त्याच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत। आमचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षांना विनंती केली आहे की जे आमच्या कार्यकर्त्यांची घरं झाली, आम्ही भाजपचे सगळे कार्यकर्ते देशभरातले आपापल्या जवळून त्याकरता पैसे एकत्रित करून त्यांची घरं पुन्हा बांधून देण्याकरता तयार आहोत। आम्हाला आपण तशा प्रकारची परवानगी द्यावी। आणि एवढंच नव्हे, हा कोविडचा काळ चालला आहे, अन्यथा आवश्यकता पडली तर आमची सगळ्यांची तिथे जाऊन आमच्या लोकांचं संरक्षण करण्याची देखील या ठिकाणी मानसिकता आहे। तिथे जो एक प्रकारचा नरसंहार चालला आहे तो थांबवणं हीच आमची प्राथमिकता आहे। ज्या प्रकारे आमच्या कार्यकर्त्यांना मारलं जात आहे, त्यांना संरक्षण देणं हीच आमची प्राथमिकता आहे। कायद्याचं राज्य पुन्हा त्या ठिकाणी असावं हीच आमची प्राथमिकता आहे। याच्या व्यतिरिक्त दुसरी आत्ता कुठलीही प्राथमिकता नाही। तो वही दूसरी ओर, नहीं हो पाया सड़क निर्माण कार्य पूरा। मनीष नगर में केवल आधी सड़कों का ही निर्माण कार्य पूरा हो पाया है, बाकी आधी सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा ही पड़ा है। मनीष नगर की बस्ती में जाने वाली सड़क बेहद खस्ताहाल हो चुकी है। रहवासियों को आवाजाही करने में परेशानी होती है। रहवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी यहाँ निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है। तो वही तीसरे ओर, शिविर में 25 युवाओं ने किया रक्तदान। सोनेगांव दुर्गा मंदिर समाज भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डागा स्मृति शासकीय रुग्णालय व भारतीय जनता युवा मोर्चा दक्षिण पश्चिम नागपुर युति विभाग प्रमुख निधि नितिन तेलगोटे के प्रयासों का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन दक्षिण पश्चिम अध्यक्ष किशोर वानखेड़े के हाथों किया गया। मनपा नागपुर स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर, प्रोफेसर विलास तेलगोटे, एडवोकेट नितिन तेलगोटे, नगर सेविका एडवोकेट मीनाक्षी गोटे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। शिविर में भाजयुमो दक्षिण पश्चिम युवा मोर्चा अध्यक्ष यश सातपुते व निधि तेलगोटे ने भी रक्तदान किया। शिविर में 25 युवाओं ने रक्तदान किया। एडवोकेट हर्षर तिजारे, ज्योत्ना मंगेश जोटिंग, पारस तांबोली, भाग्यश्री अलोनी, राकेश भोयर, आशुतोष भगत, वेदांत जोशी,
मनमीत पिल्लारे, सौरव गणेशकर, मोहित भांबरकर, अक्षय आष्टीकर, अक्षय फटिंग, हर्षा आयचित पहुंचे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।